राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। बता दें कि पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल को संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त किया। दरअसल भूख हड़ताल के बीच राम कंडवाल और उनके साथियों की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें भोजन ग्रहण करने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने धरना स्थल पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की, साथ ही राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरोजगार युवा पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निंदनीय, बहुत दुखद और राज्य उत्तराखंड के राज्य के लिए सच में ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूंगी कि हमारे युवा, हमारा जो भविष्य सड़कों पे है, लाठियां खा रहे हैं और जो उनके पास केस उन पे लगाए जा रहे हैं। सच में मैं एक माँ होने के नाते, एक नारी होने के नाते कहूंगी कि जो इनकी माँ है उनके मन में कितना इनके लिए दुख होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को जो है जागना चाहिए। 2 साल से ये लोग लगातार जो है संघर्ष करते आ रहे हैं। इनकी मांगे क्या हैं? इनकी जेन्युइन मांगे हैं जो कि राज्य के बच्चों के हित की मांगे हैं। ये अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं ताकि पूरे उत्तराखंड के बच्चों का जो है भला हो सके। क्यों ये बैकलॉग नहीं खोल रहे हैं? क्यों ये सरकारी भर्तियाँ इतने सालों से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि जितनी भी सरकारी भर्ती, हर विभाग की भर्तियों को विज्ञप्ति निकाली जाए और एक ये जो आप बैकडोर जो भर्तियाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद करें और सही मायने में आप विज्ञप्ति जारी करें और भर्तियां निकालें और उसमें जो है जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से आप जो है लोगों को, बच्चों को उसमें नौकरी देने का काम करें। ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित हुआ है और जैसे आज सुनीता प्रकाश जी आई हैं तो ऐसे अगर पुष्कर सिंह धामी किसी प्रतिनिधि को यहाँ पर भेजते तो हमें और अच्छा लगता। इन्होंने सपोर्ट किया, हमें अच्छा लगा। और ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अभी जारी रहेगा और हमने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरे प्रदेश भर में 13 के 13 जिलों में अलग अलग जगह जो है बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित होंगी और सबसे पहली जो रैली होगी वो केदारनाथ में महारैली हम करने जा रहे हैं अगर ये मांगे जो है 7 दिन के भीतर पूरी नहीं होती।